बीते वर्ष 19 सितंबर को प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और एनसीसी कैडेट्स की 11 यूपी बटालियन के द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए मथुरा एवं वृंदावन क्षेत्र में 3 दिवसीय सामाजिक और जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स के साथ स्थानीय निवासियों के द्वारा यमुना शुद्धिकरण और जागरूकता करने का प्रयास किया गया था। मथुरा में जन्माष्टमी जैसे पर्व के अवसर पर आने वाली भीड़ के द्वारा उत्पन्न कचरे को साफ करते हुए सभी को यमुना जल को प्रदूषण मुक्त कराने के प्रति अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत किए गए इस कार्य को विश्व कीर्तिमान के रूप में खिताब से नवाजा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस अभियान के सम्मिलित होने पर रविवार को एक कार्यक्रम विश्राम घाट पर आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रंजीत चतुर्वेदी पाठक के द्वारा प्राप्त हुए इस कीर्तिमान को एनसीसी कैडेट्स को समर्पित किया गया। जी, सबसे पहले तो सभी को यमुना छठ के पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पिछले साल हमको अखबारों के माध्यम से ये पता चला था कि जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा में 25 लाख लोग एक्सपेक्टेड थे, 2.5 मिलियन पीपल। तो उससे हमको ये मन में आया कि अगर 25 लाख लोग एक दिन में आकर के एक शहर में आते हैं तो कितना कचरा करेंगे, तो वो सारा कचरा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, मोस्टली उसमें से सब नाली में जाएगा और नाली आकर के उसको यमुना जी में गिरा देंगी। तो क्योंकि प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर बहुत समय से यमुना के ऊपर काम कर रहा है, तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाने का सोचा कि क्यों ना हम लोग एक डोर टू डोर कैंपेन जा करके एक करें, जिसमें जितने भी शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि कचरे की सोर्स जो होती है वो दुकानों से आदमी उठाएगा और फिर उसको कंज्यूम करेगा और कहीं फेंकेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना सारे दुकानदारों को मथुरा वृंदावन के को एक जन भागीदारी का एक पार्ट बना करके और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए कि वेस्ट जनरेशन ही कम हो। तो वेस्ट जनरेशन अगर कम होगा तो अल्टीमेटली यमुना जी में कम से कम जाएगा। उसके तहत यूपी बटालियन एनसीसी 11 जो एनसीसी के कैडेट्स की यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मथुरा में जो उसको हैंडल करती है, जिसमें बहुत तरह करके कॉलेजेस और उसके स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हमने उनकी मदद मांगी। एनसीसी वैसे भी पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं एनवायरमेंट को लेकर के और प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी को प्रोफेसर और बताएंगे उसके बारे में। तो उन्होंने हमको सहयोग किया और उस सहयोग के माध्यम से हम लोगों ने लार्जेस्ट यमुना के ऊपर एक सोशल अवेयरनेस और एजुकेशन कैंपेन को अचीव किया, जिसको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसको माना कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ, जिसमें हमने 4 टीम्स बनाई थी ABCD, और उन 4 टीम्स के साथ में और एनसीसी के कैडेट्स के साथ मिलकर के हम लोगों ने लगभग 5,000 शॉप्स मथुरा और वृंदावन में उनको कवर किया। शॉपकीपर्स को जाकर के हम लोगों ने एक संकल्प पत्र दिया और उनको हमने उसको रीड करवाया। संकल्प पत्र पढ़ने के बाद में उन्होंने उसको अपनी दुकान पर चिपकाया, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, मेरी दुकान पर जो भी इंसान आएगा मैं उसको बोलूंगा कि वो कचरा ना करे, डस्टबिन को यूज़ करे। तो और उसके बदले में हमने उनको एक यमुना रक्षक का एक बैंड पहनाया, तो वो उस बैंड पर लिखा हुआ था यमुना रक्षक एंड आई फाइट पॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मथुरा वृंदावन में 2 दिन में हम लोगों ने लगभग 5,000 शॉप्स को, रेडी वालों को, दुकानदारों को, सबको कवर किया। उसके बाद में हम लोग लॉयर्स के चैम्बर्स में गए, तो क्योंकि पूरा शहर जो है वो कचहरी पर आता है और वहाँ पर जब वो आता है तो लॉयर्स भी जो होते हैं वो आप देखो कि केसेस लड़ते हैं एनवायरमेंट को लेकर के NGT के साथ में, अन्य प्रकार से। तो हम लोगों ने 1,500 लगभग लॉयर्स चैम्बर्स को कवर किया, हमने लॉयर्स को यमुना रक्षक बनाया और हमने उनको बोला कि आपको भी पॉल्यूशन के अगेंस्ट में आपको आवाज़ उठानी है और फाइट करना है, तो उसमें उन्होंने अग्री किया। ये सब हमने 2 दिन के 2.5 दिन के प्रोग्राम में किया। तो जब हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया तो ये एफर्ट जो था वो रियली NCC के बिना ये संभव नहीं था। NCC के जो बच्चे थे ये उन्हीं की बदौलत ये हुआ। तो हमने सोचा कि असली हकदार वर्ल्ड रिकॉर्ड के हम लोग नहीं हैं, वो NCC के बच्चे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया तो हमारे साथ में ब्रिगेडियर और स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मल्होत्रा आज हमारे साथ में है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और लेफ्टिनेंट कर्नल नेगी हमारे साथ में है, जो NCC यूपी बटालियन 11 के हेड हैं यहाँ पर। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये जो है वो NCC की देन है और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये इन बच्चों की देन है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट इन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। एंड देयर इज़ नो बेटर डे, जो आज का दिन है, जो इन बच्चों ने यमुना के लिए काम किया, तो आज यमुना छठ का दिन है, तो ये आज ही के दिन पर उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सारे बच्चे मथुरा और वृंदावन के, मथुरा के रहने वाले हैं, तो उसी के लिए हमने सर से रिक्वेस्ट की कि सर आएँ और ये सर्टिफिकेट इन बच्चों को बांटें और इनका हौसला बढ़ाएं, तो ये उसी से रिलेटेड है। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्रिगेडियर सुशील मल्होत्रा, 11 यूपी बटालियन NCC के ADM ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल SS नेगी, कर्नल SVS यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए, आप जानते हैं जैसे मथुरा में हमारी NCC बटालियन में बच्चे हैं जो लोकल स्कूल्स के बच्चे हैं,
और इस प्रोजेक्ट के साथ वो 11 एनसीसी बटालियन के बच्चे जुड़े, और बच्चों में जो मोटिवेशन होती है ना, काम करने की जज्बा होता है, उसको इन्होंने अच्छे तरीके से हार्नेस किया और उसको यूटिलाइज करके उन्होंने बच्चों ने पूरा कंट्रीब्यूट किया। और एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया, तो इसीलिए मैं इनके साथ आज आया कि ये बच्चों के मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनकी काम की सराहना होनी चाहिए ताकि वो इसी तरीके से एक छोटे छोटे, कहते हैं हम बूंद बूंद करके सागर भरता है, तो छोटा छोटा जो काम करेंगे हर शहर के लोग, उससे हमारी कंट्री की चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मथुरा में ये यमुना पे एक्शन देखते हुए अभी दिल्ली में जहाँ के एनसीसी के बच्चे बहुत हैं, अभी उन्होंने भी एक प्रेरणा ली है इन मथुरा के बच्चों से कि हम आगे जाके जो यमुना दिल्ली में बहती है उसको भी साफ करने की कारण है। तो ये मैं इन बच्चों की सराहना करना चाहता हूँ और इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस एफर्ट के साथ काम किया है और आगे भी इसी तरीके से करते रहें और अच्छे देश के नागरिक बने फ्यूचर में। धन्यवाद। अप्रोक्सीमेटली 150 कैडेट थे जिन्होंने जो है डोर टू डोर जो है कैंपेन किया और कंटिन्यू दो दिन तक जो है ये डोर 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 टू डोर जाते रहे, हर शॉप में जाते रहे और लोगों को अवेयरनेस जगाई लोगों के अंदर कि जो है जल ही जीवन है, जल से हमारी हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। और दो भारत की दो मुख्य नदियां हैं, एक गंगा और एक यमुना नदी, तो गंगा नदी तो अब हर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा भी चल रही है, लेकिन जो है यमुना का जो पानी है, यमुना को जो साफ करने का जो बेड़ा जो है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर ने उठाया, उसके लिए जो जो भी जितना हम कर सकते थे वो हमने किया और लोगों के अंदर जो है ये जागरूकता फैलाई कि इस नदी को जो है गंदा ना करें और इसको जो है अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। तो ये अगर जो है इस मिशन में भी अगर हम जो है थोड़ा 1% में भी हमारे कैडेट 11 यूपी एनसीसी बटालियन के कैडेट अगर जो है थोड़ा बहुत अगर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें तो उसके लिए जो है ये सारे कैडेट जो है बधाई के पात्र हैं। एनसीसी कैडेट्स की मेहनत निश्चित तौर पर रंग लेकर क्या है, इसका सार्थक परिणाम सामने नजर आ रहा है। इस परिणाम को बदस्तूर जारी रखने के लिए आम नागरिकों की किस प्रकार का सहयोग क्या अपील करना चाहेंगे? आम नागरिकों से मैं यही निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार हम अपने घर में सुबह शाम गंदगी देखते हैं और उसको उसी प्रकार साफ करते हैं, सोचते हैं कि ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए हमारे घर में, तो हर इंसान को, हर देश के नागरिक को ये सोचना चाहिए कि नदी के किनारे, गंगा यमुना नदी के किनारे जहाँ पे भी सफाई हो, ये ना देखे कि कौन जो है मुझे देख रहा है या मेरे को कोई पुरस्कार मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, बल्कि अपनी जो है अंतरात्मा को देखते हुए अगर उस जल को साफ करे, सफाई अभियान चलाए, तभी जो है हम आगे का भविष्य जो है ठीक कर सकते हैं।